हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लोरसेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वो 2 होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x² + 5x - 3 = 0, तो आप देख सकते हो उसमें जो वेरिएबल है, जो एक्स है, उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम एक अदर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 5x³ - 2x = 0, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ गई। यस, और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सो 5x³ आ गया क्योंकि, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एक अदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया है 2x² + 3x - 7 = 0। तो अब आप क्या बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये या नहीं होगी? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट। ओके, सो जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो यहाँ पे 4x² + 3x - 7 = 0 आएगा। अब जब भी स्क्वायर करते हैं, जब भी हमें स्क्वायर करना होता है, तो हम नंबर का भी करेंगे और साथ में वेरिएबल का भी करेंगे। तो नंबर का किया 2 2 = 4, और x का किया तो x की मल्टीप्लाई x से हुई, तो फिर एक्स स्क्वायर आ गया। और आप देख सकते हो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर ही है। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सपोज आपको इस तरीके से दिया है +7 = 0, तो ये बताइए कि ये इक्वेशन होगी या नहीं क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो जब बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम इसका भी पूरे का स्क्वायर करेंगे। जब नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पावर हो जाएगी उसकी 4 + 7 = 0, क्योंकि 2 की पावर 2 बार, 2 2 = 4 आ गया। ओके, जब भी पावर में पावर होती है तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की पावर 4 आ गया। और इसमें आप देख सकते हो x की पावर 2 तो है नहीं हाईएस्ट पावर। इट मींस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई थिंक आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, अब हमें अगर चेक करना है कि कोई इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, तो उसके लिए काफी अलग अलग आपके पास जो होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि 2x + 7² + 7x = 9x - 2। अगर आपको ये क्वेश्चन देखनी है कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं, इसलिए क्वेश्चंस आपके बुक में है भी और आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो उसके लिए देखिए, आप यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 7 है। यहाँ पे x की टर्म है इसके साथ, लेकिन इसके साथ x की टर्म नहीं है, इट मीन्स के पास वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। बहुत से बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, इन्हें आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्लस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है। जब वेरिएबल सेम होते हैं तभी उन्हें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो ऐसी इक्वेशन में जहां पे अलग अलग टर्म्स हो और पूरे का स्क्वायर हो रहा हो, तो वहां पे हमारी आइडेंटिटीज का यूज होता है, जो आपने अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा जिसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास x + y का स्क्वायर था, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है जिसमें आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज x + y² तो x² + y² + 2xy। ये मेन है और ये आपको एज इट इज लर्न करनी है, क्योंकि इसका यूज आपकी क्लासेस में होगा, आपके क्वेश्चंस में होगा और आगे आने वाली क्लासेस में भी होगा, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही हम यहाँ पे x का स्क्वायर करते हैं, फिर y का स्क्वायर करते हैं, और फिर +2xy। तो सेम उसी तरीके से हम इसे भी ओपन करेंगे। अब हमारा जो x है वो यहाँ पे क्या है, 2x, तो हम करेंगे 2x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पूरे का स्क्वायर हो रहा है, राइट? फिर हम दूसरे वाली हमारी जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, +y का स्क्वायर,
ओके। और फिर लास्ट टू एक्स की टर्म क्या है हमारी, 2x, तो हम 2x लिखेंगे। और वाई की टर्म क्या है हमारी, 7, तो हम 7 लिखेंगे। ठीक है, प्लस में 7x, बाकी का आप एज इट इज उतार दो, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो 9x माइनस 2, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, जब आप इसे ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 28x। क्लियर, प्लस में 7x था ही, और फिर 9x-2 हमने एज इट इज लिख दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की टर्म एक ही है, तो वो एक ही रहेगी, उसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता। और बाकी जो अदर टर्म्स हैं हम उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस में चली जाती है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो माइनस की होती है वो प्लस में चली जाती है। और इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 2x और 7x मिलके कितना हो जाएगा, 35x। और जब 9x को इधर लेकर आए तो -9x, और जब 2 को लेकर आए तो +2=0। हाँ, तो सब बच्चों को क्लियर है? ओके, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो 4x², अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप दोबारा से एक बार वीडियो देख सकते हैं। आगे 449 हो गया है ना, प्लस तो देखिए यहाँ पे +35x है और यहाँ पे है -9x, राइट? तो दोनों के साथ x है, x वाली टर्म है दोनों, तो ये इट मीन्स ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 35 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44, राइट? तो हम लिखेंगे 44x। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में, ये उससे पता चलेगा कि हमारा जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, विच इज द बिगर नंबर। 35, यस, 35 9 से बड़ा है, और 35 का साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे भी ये प्लस में ही आएगा, और +2=0। आप इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे दो नंबर है 49 और 2, इन दोनों को सॉल्व किया साथ में तो ये आ गया 51=0। और आप देख सकते हो कि x² ही सबसे बड़ी टर्म यहाँ पर है, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट में जब चेकिंग करनी होगी आपको, तो आप लास्ट में बस इतना लिख दोगे, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी चेक करना होगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा, आपको आइडेंटिटी का यूज करना होगा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में यहां पर की, और उसके बाद आपको उसमें वैल्यूज पुट करते जाना है, और लास्ट तक सॉल्व करके फिर आपकी अगर x² उसमें बच रहा है और हाईएस्ट पावर वही है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज आपके पास एक अदर क्वेश्चन दे रखी है, जैसे कि 2x² प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x² माइनस 9x, और आपसे बोला है कि चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप सोचोगे यहाँ पे तो स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिया है ना, तो हम डायरेक्ट लिख दें, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सॉल्व करके चेक करना है कि ये होगी या नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले किया कि अगर कोई यहाँ पे होल स्क्वायर होता है तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो हमारी पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिटी देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। साथ में बोलना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। तो जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है, 2x² हमारे इक्वेशन के हिसाब से, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2x² का पूरी का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, राइट? सेम फिर यहाँ पे 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारा वाई का स्क्वायर था नेक्स्ट टर्म में, प्लस 2, राइट? एक्स क्या है हमारा, 2x² और वाई क्या है, 3। तो इक्वल में जो बाकी का
वैसे का वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि और किसी में आइडेंटिटी का यूज करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको टर्म्स रखी है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, है ना। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2x² का पूरे का स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये ब्रैकेट बना हुआ है मतलब पूरे का। तो पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4। जब x² का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आंसर? यस, x की पावर 4। क्यों? क्योंकि पावर की पावर होती है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x². ओके, क्योंकि यहां पे तो कोई स्क्वायर हो नहीं रहा, तो ऐसी का ऐसी आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इक्वल्स x 7x² - 9x, राइट। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया, आप आराम से इसे चेक कर सकते हो कि ये होगा या नहीं। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को इधर लेकर आना। ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा इधर, और ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? यस। तो फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 वाली कोई दूसरी टर्म तो है नहीं, तो ऐसी एज इट इज रहेगी। और देखो आप, x² की दो टर्म है, राइट, तो इन्हें हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5x², है ना। क्यों? क्योंकि x² वाली टर्म है तो स्क्वायर तो आई गई, और साथ में ये एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो जब इन्हें माइनस किया 12 में से 7 गए तो 5 आ गया, और बड़ा नंबर कौन सा है? 12। इट मीन्स कि इसका साइन आएगा यहाँ पे, तो इसलिए हमने प्लस लगाया। क्लियर? आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा यहां तक। ओके ठीक है, तो 9 की जो हमारी जो टर्म है नंबर की, वो सिर्फ एक ही है कॉन्स्टेंट की, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये बाकी एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हो हमने सारा सॉल्व कर दिया है, कोई भी दूसरी टर्म नहीं है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 4। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आगे आपकी जो क्वेरीज होंगी जितनी भी, उनको सॉल्व करके फिर आपको वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगी, मीन्स मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट एक अदर एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जांपल है x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9x² + 4। अब आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर नहीं होगी? यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले काम किया है चेक करने के लिए, हम पहले जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। तो आपको याद है x - 3 का होल स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर माइनस में होती है कोई ऐसे स्क्वायर फॉर्म में तो कैसे सॉल्व करते हैं? उसकी आइडेंटिटी होती है x - y का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है x² + y² - 2xy, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, बाकी एज इट इज आप देख सकते हो पहले वाली ही जैसे था ये बिल्कुल। बस इसका आप ध्यान रखना कि ये माइनस में होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। क्लियर? तो हम भी वैसे की वैसे इक्वेशन रखेंगे, कैसे करना है? एक्स का स्क्वायर किया तो ये आया x² + क्योंकि यहाँ पे प्लस है, नेक्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर किया प्लस, सॉरी ये तो माइनस में आएगा ना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2। एक्स क्या है? एक्स ही है आपका, और वाई कितना है? 3, तो आप भी 3 रखोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट यहां तक? ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये हो गया 9x² का ऐसी कैसी, और ये प्लस 4 लिखा जाएगा। अब आगे इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये x² प्लस कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस 6x = 9x² + 4। अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है? जितने भी हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उसे लेफ्ट हैंड साइड मिलाने का। तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये जो प्लस में है ये भी माइनस में आ जाता है इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में। कुछ बच्चे एक ही तरफ में प्लस माइनस कर देते हैं, इधर उधर लाने से नहीं, ऐसा नहीं होता।
अगर आप इक्वल के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिला रहे हो तब साइन चेंज होते हैं, अदरवाइज वो साइन चेंज नहीं होते। क्लियर? सो यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर की आपके पास दो टर्म्स हैं, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इट मीन्स कि प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो नाइन में से वन, जो उसके साथ कुछ भी नहीं है तो वन तो होगा राइट, तो नाइन में से वन गए, कितने आया, एट एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो है हमारा नाइन है और वो माइनस में है, बाकी माइनस सिक्स एक्स ऐसे ही रहेगा। पर अब देखो, अब ये हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है, नाइन और एक माइनस फोर, तो हम इन्हें भी आपस में सॉल्व कर सकते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस फाइव इक्वल्स में जीरो। अब आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर जो है वो ये है एक्स स्क्वायर की, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसी तरीके से आपको करना है, अगर आपको एग्जाम में चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको लास्ट तक उसे सॉल्व करके फिर लास्ट में आपको दिखना है। पर अगर आपका कोई एमसीक्यू वगैरह है तो आप शॉर्ट में करके भी कर सकते हो, पर अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म दे रखी है तो आप पहले से सॉल्व करना, उसके बाद ही एमसीक्यू में टिक मार्क करना, वरना गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा एग्जाम्पल एक, सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है x प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे, कोई बता सकता है मुझे, यस, तो यहाँ पे देखिए आप ब्रैकेट के अंदर ये दो चीजें जो हैं, ये थ्री और टू, ये दोनों नंबर हैं, तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं राइट, ब्रैकेट के अंदर ही हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले x प्लस थ्री मान लो एक वेरिएबल के साथ एक नंबर देते थे और जो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते थे, ठीक है, उनकी वेरिएबल्स भी सेम नहीं हुआ करते थे, इसलिए तो इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट है तो इन्हें हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, थ्री में से टू गया तो वन बच गया, और जो बड़ा नंबर है वो थ्री, तो यहाँ पे इसलिए प्लस में हमने लिख दिया प्लस। अब आप ये देखो, ये भी क्या है, दोनों नंबर्स है, कॉन्स्टेंट है, इन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो राइट, तो आंसर कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टर्म में हम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे डायरेक्ट, एक्स का स्क्वायर, फिर क्या होता है, दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर हम टू लिखते हैं, एक्स की टर्म एक्स ही है हमारी, और वाई की टर्म कितनी है, वन, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा, और ये फाइव एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फर्दर हम क्या करेंगे, जो चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं उन्हें हम लिख देंगे, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो टू वन जा टू, और एक्स अकेला है तो एक्स रह गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं, आप ध्यान रखना कि ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो टू की मल्टीप्लाई करी वन से तो टू आ गया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इससे नहीं लगाया क्योंकि उससे भी काफी गलतियां होती हैं, ठीक है, बच्चे उसमें भी काफी गलतियां कर देते हैं, मान लो ये माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखना अपनी टर्म्स को, जिससे कोई गलती होने की चांसेस ही ना हो, तो इसे टू की मल्टीप्लाई वन से करी तो टू आ गया, और फिर एक्स का एक्स रह गया, प्लस फोर इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जितना भी राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है, राइट, अब आप देख सकते हो एक्स की टर्म्स, एक्स स्क्वायर की टर्म्स आपके पास दो हैं, है ना, राइट स्टूडेंट्स, इन्हें आप आपस में सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक तो सबको क्लियर होगा कि क्यों लिखा है मैंने ऐसा, राइट,
क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो 5 है और उसके साथ माइनस है, और बाकी 2x की टर्म एक ही है तो वो एक ही रहेगी। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो प्लस 1 और 4 कितना हो गया, प्लस 5। और इसमें आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके गाइस, यस। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं ये चेक करने के लिए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है आपको, 9x माइनस 3 टू माइनस 3x इक्वल्स 9x प्लस 2। क्या आपको पता है इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी बन रही है ना कुछ, फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप देख सकते हो कि ये जो पूरी इक्वेशन, ये जो पूरा आपके एक टर्म है और जो पूरी ये एक टर्म है, इनके बीच में क्या है, किसी भी चीज का साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस। इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके गाइस, हाँ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि आपको इस पूरी इक्वेशन को इससे पूरे को मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो हम 9x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों से करेंगे, 2 से भी और 3x से भी। तो जब हम 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 9 टू जा 18, तो आ जाएगा 18x, राइट। और जब 9x को हम 3x से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 9 थ्री जा 27, राइट 27। पर आप देख सकते हो उसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x मिला के कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 की पहले 2 से और फिर माइनस 3 की माइनस 3x से, क्योंकि इसका साइन की भी मल्टीप्लाई होती है फिर, ठीक है। जैसे 2 3 जा आपने किया तो कितना आ जाएगा, 6, लेकिन क्योंकि यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब माइनस 3x से करोगे तो 3 3 जा 9, राइट। तो ये आ जाएगा 9x, क्योंकि यहाँ पे एक ही x यहाँ तो है नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, साइन गलत लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको साइन ध्यान रखना है कि साइन किस चीज का आएगा, वो मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस रहता ही है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो उसमें हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है वो क्या है, कि हमें जो ये जो राइट हैंड साइड पे है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है, ठीक है। तो साइन हमेशा कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 9x, इसे लेकर आएंगे तो माइनस 2 इक्वल्स में 0। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। तो एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास एक ही है, तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 9x 9x आप देख सकते हो यहाँ पे दो टर्म बन रही है, 9x में तीन टर्म्स बन रही है, देखो 18x 9x और माइनस 9x, राइट। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ही वैल्यूज हमारी हट जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर 9 में से 9 गए 0, तो सिर्फ क्या बच गया, 18x, क्लियर। और ये माइनस 6 और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये बच गया माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और इसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर जो है इसमें वो 2 ही है, क्योंकि इसमें तो 1 है पावर, कुछ नहीं है तो 1 होती है ना, और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही था आज की क्लास में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको सब समझ में आया हो, तो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज गाइस, इसे शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। इन केस आपको कोई भी अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी हम अदर लिंक्स भी आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे फ्लोरसेंस अकेडमी से वहां पे सारा मेंशन कर देंगे, तो आप उसमें हमें सेंड कर सकते हो, जिससे हम आपको फर्दर सॉल्व करके क्वेश्चंस को भेज सकें। ओके ओके गाइस।
हम इस वीडियो को अभी इसी टाइम एंड करते हैं, बाकी कम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे।